कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। एक्स पर पीएम के फॉलोअर 100 मिलियन के पार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर पीएम के सबसे ज्यादा फॉलोअर हुए हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आई है कि पीएम के फॉलोअर लगातार बढ़ रहे हैं। एक्स पर पीएम के फॉलोअर 100 मिलियन के पार हो चुके हैं। 3 साल में 30 मिलियन बढ़े हैं पीएम मोदी के फॉलोअर्स। एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले वर्ल्ड लीडर बने हैं पीएम मोदी। सोशल मीडिया पर पीएम के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें, एक्स पर पीएम के फॉलोअर अब 100 मिलियन के पार हो चुके हैं। 3 साल में 30 मिलियन बढ़ चुके हैं पीएम मोदी के फॉलोअर्स। एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले वर्ल्ड लीडर बने हैं पीएम मोदी। लोकप्रियता लगातार पीएम मोदी की बढ़ती ही जा रही है और सोशल मीडिया पर 100 मिलियन के पार एक्स पर फॉलोअर्स हो चुके हैं उनके। सीएम विष्णुदेव साय अपने गृहनगर जशपुर पहुंचे। कुनकुरी विधानसभा के दुलदुला में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा। सीएम साय मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। बता दें, सीएम ने मंच से मतदाताओं का अभिनंदन किया। मुंगेली के लोरमी में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मतदाता सम्मान समारोह में शामिल हुए। तोखन साहू ने जनता का धन्यवाद किया और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साहब के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने सियान सदन का शुभारंभ किया। सियान सदन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्ग शामिल हुए। सभी मतदाताओं का, हमारे देश के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। कवर्धा में वन विभाग ने कार्रवाई की है। अवैध कब्जे को हटाया गया है। खेती की तैयारी कर रहे थे कब्जाधारी। आपको बता दें, जंगल की जमीन पर फेंसिंग की गई थी। पंडरिया वन क्षेत्र के कोदवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात धमतरी की करेंगे। मानसिक रूप से बीमार नाबालिग को बिना वजह बदमाश ने चाकू मार दिया। आनंद फानंद में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी की इस घटना को लेकर शहर में चर्चाएं भी हैं और लोग पुलिस से विशेष अभियान चलाने की मांग भी कर रहे हैं। इतवारी बाजार में मृतक रोशन पटेल को एक अपचारी बालक के द्वारा जो है चाकू मार दिया गया था किसी कारणवश, जिसको इलाज हेतु शिवनंदा हॉस्पिटल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जांच पंचनामा कार्रवाई होने के बाद शव को पीएम रिकॉर्ड के लिए पीएम के लिए भेजा गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बदमाश ने रंगदारी को लेकर पिटाई की। अपने दफ्तर में ही लड़कों की पिटाई बदमाश के द्वारा की गई। एफआईआर नहीं करने की भी धमकी दी। बता दें, बदमाश दिलीप बंजारे ने वीडियो भी वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। तो रंगदारी मांगी गई और साथ ही साथ पिटाई भी युवकों के साथ की गई, ये बदमाश के द्वारा। आप देखिए किस तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। अब ये जब वीडियो सामने आया है, इसके बाद अब कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि हिरासत में तो लिया गया है, एफआईआर की गई है, पर किन धाराओं में, ये बड़ी बात है।
और रायपुर में शातिर ठग गिरफ्तार हुआ है। 14 लाख की ठगी के आरोप है। इस पर सोशल मीडिया पर विज्ञापन देता था, फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी करता था। रांची दिल्ली में पहले से इस पर मामला भी दर्ज है। 14 लाख की ठगी के आरोप इस पर लगे हैं। अब गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ होगी, कई सारे बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। कहां कहां पर आखिर ये वारदात दे चुका है, ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है, तो सभी वो पहलू रहेंगे जिन पर पूछताछ होगी और कड़ाई से पूछताछ होगी, जिसके बाद कार्रवाई भी होगी। और आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर जिले का जिक्र करेंगे। डायरिया का प्रकोप लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। जिले के रतनपुर, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा इलाके में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर मरीजों का उपचार भी कर रहा है, तो वहीं गंभीर मरीजों को सिम्स जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डायरिया से बिल्हा क्षेत्र में एक मरीज की मौत के बाद राजनीति भी गरमाने लगी। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे और विधायक देवेंद्र यादव मरीजों से मिलने सिम्स अस्पताल पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक प्रदेश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों की इस परेशानी का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को बताया है। ऐसे कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से बात कर रही है, प्रशासन से बात कर रही है। नालियों से पाइपलाइन जा रही है और कटी फटी पाइपलाइन के कारण जो पानी है वो दूषित हो रहा है, और इस बात की बात कब से प्रशासन से शासन से कहते हैं। मैं खुद तालापारा और तारबहार क्षेत्र में दौरा करने गया था, जब आपको याद होगा गर्मी के समय में जब पानी की समस्या थी तब मैं गया था, और वहां पर पानी खराब आ रहा था। उसके बारे में बार बार प्रशासन को, हम लोग सरकार को आगाह कर रहे थे, कांग्रेस कमेटी आगाह कर रही थी, पार्षद लोग आगाह कर रहे थे, लेकिन बात समझ में किसी की आती है? यह सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है, और इस गूंगी बहरी सरकार में जो है वो इसीलिए यहाँ पर जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं। और अब बात करेंगे न्यूज 18 की मुहिम की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने न्यूज 18 की मुहिम जो है प्रोजेक्ट वन ट्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहला जो पहल है पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। न्यूज 18 ने शुरू केलेला प्रोजेक्ट वन ट्री या उपक्रमाचं मी मनापासून स्वागत करतो। या उपक्रमामुळे पर्यावरण संवर्धनाला मोठी मदत होईल। जगातलं वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यूज 18 च्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून देश एकजूट होऊन मोठ्या क्रांतिकारी बदलाची सुरुवात 140 कोटी भारतीयांपासून होईल। या क्रांतीची सुरुवात एका झाडाने, एक झाड मानवतेसाठी, एक झाड या पृथ्वीसाठी, एक झाड आपल्या भविष्यासाठी। म्हणूनच न्यूज 18 च्या या चांगल्या उपक्रमासाठी मी मनापासून माझ्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है, अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।